जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते दोस्तों सिल्वर के बारे में, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं जो है वो नई अब यहाँ से बन सकती है, क्योंकि ये वीक तो अगर हमने ध्यान दिया हो, बात करी थी वैसे मंडे ट्यूसडे, आज तो आखिरी दिन है, कि साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड के अंदर जो है वो थोड़ा सा रह सकता है। तो लगभग लगभग वही साइडवेज टू नेगेटिव, कल जो है वो थोड़ा सा बाउंस लिया उसने अच्छा खासा, फिर वापस से वही अपना जो चाल है वो करने की कोशिश कर रहा है, टाइम पास कर रहा है ज्यादातर केस के अंदर। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो अब यहाँ पर क्या नए सपोर्ट रेजिस्टेंस खुल सकते, क्या ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में जो है वो जरूर चर्चा कर लेते। कल जो है वो बाउंस आया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात कर लेता हूँ दोस्तों फटाफट जो है वो सपोर्ट के ऊपर पहले, कि क्या सपोर्ट जो है वो रहने की उम्मीद है। तो यहाँ से मैं एक बार खाली कलर चेंज कर देता हूँ। 89,800 के आसपास हम खड़े हैं, तो यहाँ से नज़दीक का जो सपोर्ट अगर हम ध्यान में ले सकते हैं वो कुछ आता है 89,150 के अराउंड, थोड़ा दूर है 89,150। अगर उसके नीचे रुकने की कोशिश करते हैं तो फिर ये जो लो लगाया था वो 88,850, और बड़ा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 88,100 के आसपास। ठीक है, तो ये सपोर्ट की बात हो गई। तो ये जो है वो हमें सपोर्ट के लिए ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। उससे पहले दोस्तों बहुत सारे दोस्त जो है वो वीडियो को देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब अभी तक शायद चैनल को नहीं किया है। और एक बात आपको बताऊँ दोस्तों, तो दोस्तों 13,000 सब्सक्राइबर जो है वो हो चुके, उसके रिगार्डिंग पोस्ट भी किया था 2 दिन पहले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने उतना जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया, हमारा सपोर्ट में जो है वो आप खड़े रहे, आगे भी आपका साथ बना रहेगा ऐसी आशा रखता हूँ। तो 13,000 सब्सक्राइबर के लिए अगेन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो भी जो है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जो है वो दोस्तों एक बात कर लेते हैं, कल जो है वो हमने क्या बात करी थी एक बार जो है वो सुन लेते हैं, फिर जो है वो आगे की चर्चा को कंटिन्यू करता हूँ। जो है वो ये अगर 920-25 के ऊपर चलने की कोशिश करें तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा मेरे हिसाब से वो बनेगा 89,550। अगर ये लेवल ऊपर काट के रुकने की कोशिश करें तो फिर शॉर्ट से दोस्तों थोड़ा सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, फिर ये वापस से एक अच्छी जर्नी की तरफ जा सकता है। वो लेवल है 89,600 के आसपास, फिर 90,100, 90,700, 91,200, 92,000, ये धीरे धीरे। ठीक है, ये कल का वीडियो है दोस्तों, जो कल हमने बात करी थी यहाँ पर कि 88,900 का एक छोटा लेवल है, अगर वो लेवल अगर हम ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ से बड़ा लेवल बताया था 89,600, 550, 600, और वो ऊपर काटता है तो और जो है वो 90,100, 90,700 के लेवल भी चर्चा किए थे दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट ने लगभग लगभग 1600-1700 पॉइंट की तेजी जो है वो हमें दिखाई है। ओके, और खास बात क्या है, 90,700 का जो लेवल हमने चर्चा किया था तो कल का मार्केट का हाई भी अगर हम देखेंगे तो 90,600 है, 50-100 पॉइंट तो आगे पीछे रहेगा दोस्तों। ओके, इतना जो है वो एक्यूरेट तो या तो भगवान बता सकते या तो भविष्यवेत्ता, दोनों में से अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम जो है वो एक स्टडी करने की कोशिश करते, एक एनालिसिस करने की कोशिश करते, उसके कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ जो है वो एजुकेशन होता है, कुछ मार्केट के पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये काम आप भी कर सकते हो दोस्तों। और हर एक वीडियो में जो है वो हम लगातार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी एक बात करी थी कि साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है, तो 2-3 दिन वही ट्रेंड रहा, कल जो है वो मूवमेंट आया, फिर वही लगभग अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ अंदाजा आप लगा सकते हो। अगर आप इसको सीखना समझना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये लिंक ओपन करके आप सीख सकते हो। वहां पर लाइव चर्चा भी करते हैं, लाइव सिखाने की भी कोशिश करते हैं, बताने की भी कोशिश करते हैं, मेरा अपना अनुभव जो है वो भी शेयर करता हूँ, ये सारी चीजें जो है वो आप वहां पर देख पाओगे। तो अब बात कर लेता हूँ मेन रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस अब मेरे हिसाब से रह सकता है 90,400 के आसपास। ठीक है, 400-450 के आसपास अगर वो लेवल ऊपर काटता है तो 91,100 जो है वो एक बड़ा लक्ष्मण रेखा रहेगा, उसके ऊपर जाके रुकते हैं तो शॉर्ट से अगेन सावधान रहना चाहिए, फिर वहां से जो है वो एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। तो रेजिस्टेंस के लिए अभी ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, सपोर्ट जो है वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। अब बात कर लेता हूं यहां पर
दोस्तों गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के बारे में जो है वो रेजिस्टेंस जो मैं मान के चलता हूँ 73,650, 73,650। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करे तो फिर यहाँ से जो है वो एक अगेन जो है वो जर्नी शुरुआत हो सकती है। अब नीचे में सपोर्ट क्या रहेगा, तो 73,050 के आसपास जो है वो एक अच्छा सपोर्ट में मान के चलता हूँ। उसके नीचे 72,800, कल बात करी थी 72,800 के आसपास, और दूसरा था कि 73,350 के ऊपर चलता है तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड की रेंज भी छोटी है दोस्तों, आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाउंस आएगा तो भी छोटा आएगा, करेक्शन आएगा तो भी छोटा आएगा, जो भी चाल होगी जो भी जर्नी होगी वो गोल्ड के बनाम सिल्वर में ज्यादा होगी। तेजी होगी तो भी सिल्वर में ज्यादा होगी, मंदी होगी तो भी सिल्वर में ही ज्यादा होगी, ऐसा मेरा मानना है और वो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है। बात कर लेता हूँ यहाँ पर डॉलर टर्म के बारे में, गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर का डॉलर टर्म का जो चार्ट है उसका सपोर्ट जो है वो अभी नज़दीक का अगर हम देखें तो 30.75 के आसपास जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके नीचे 30.50 और 30.20 के जो है वो सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ हमें ध्यान में रख सकते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 31.30, 31.60 और 32, ये बड़े लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। 31.60 जो है वो एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा, उसके ऊपर जाने के बाद जो है वो कोई नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है दोस्तों, तो वो एरिया के ऊपर हमें खास ध्यान रखना चाहिए। बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर एक लगातार चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे कि ये वाले एरिया के ऊपर, आपको याद हो तो, कि 2535 के ऊपर जब भी ये निकला यहाँ पर, तब जो है वो एक नया ट्रेंड शुरू होगा, और वो हमने यहाँ पर देखा भी, लगभग लगभग $70 जितना ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये बातें इसी महीने की लगभग 15 एक दिन पहले की बात है। ओके, तो ऐसे बड़े ट्रेंड जो है वो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, रास्ता मैंने दिखाया है लाइव चर्चा, वहाँ पर जो है वो बड़े ट्रेंड की चर्चा भी करते और बताने की भी कोशिश करते कि बड़े ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं। तो सपोर्ट रहेगा 2570, दूर का सपोर्ट है। उसके बाद 2560, 2545, ये जो है वो नीचे के लिए सपोर्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए। रेजिस्टेंस यहाँ पर तो क्या है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर है। 52 वीक हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल के हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है वो गोल्ड काम कर रहा है, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस की क्या बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने देंगे, मेन जो है वो हमें सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर हम ये 2595 के ऊपर चले तो 2610, 2640 एक बड़ा लेवल आता है, तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा फिर ध्यान रख सकते हैं। बाकी टारगेट को इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हाई कटते तब जो है वो अपने हिसाब से काम करने देंगे उसको। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो है वो एनजी और क्रूड के बारे में। एनजी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एनजी के लिए सपोर्ट जो है वो हमने बात किया था कल 190 के आसपास, 189.50 के आसपास, तो वो लेवल काट के ज़्यादा तो नहीं, लगभग लगभग 3 एक पॉइंट का करेक्शन हुआ, फिर वापस से जो है वो बाउंस लिया, तो इंट्राडे में 3 पॉइंट इनफ है दोस्तों। रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं, 197.50 के आसपास नज़दीक का छोटा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 201, 200 के आसपास 200, और 200 का लेवल काट के रुकते हैं तो 204 का लेवल जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये लेवल के ऊपर अगर रुक जाते हैं, टिक पाते हैं, सस्टेन कर लेते हैं, एक आध दो दिन क्लोजिंग कर लेते हैं, तो वहाँ से एक बड़ा नया ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड का शुरू हो सकता है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। बात कर लेता हूँ दोस्तों क्रूड के बारे में। तो क्रूड के अंदर अभी रेजिस्टेंस रहेगा 5,990 के आसपास। अगर ये लेवल ऊपर काटते तो 6,025, 6,060, 6060, आपको याद हो दोस्तों एक लेवल हमने चर्चा किया था कि 6060 जो है वो उसके लिए लक्ष्मण रेखा का काम कर सकता है। और कल दोस्तों क्या मतलब 6062 का हाई लगाया, और वहाँ से जो है वो सीधा फिर अच्छा खासा लंबा करेक्शन हुआ है। इंट्राडे के हिसाब से देखे तो भी लगभग लगभग 114 पॉइंट के आसपास अभी जो गैप डाउन ओपन होके, तो ऐसे ही लेवल जो है वो दोस्तों बताया, वैसे सीखिए समझिए तो आपको जो है वो आइडिया जरूर आएगा। सपोर्ट क्या रहेगा उसकी बात कर लेता हूँ। तो सपोर्ट रहने की उम्मीद है मुझे 5,910 के आसपास। अगर ये लेवल कटता है तो 5,870, 5,820, ये कुछ लेवल नीचे की तरफ ध्यान में रखने चाहिए। बड़ी तेजी होने के लिए उसको कंपलसरी 6,060, 6060 का लेवल जो है वो जब तक ऊपर नहीं काटेगा तब तक उसमें प्रॉब्लम बने रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है।
ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करते हैं समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।